मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्राम देवली के किसानों ने अधिकारी के सामने खराब फसलें दिखाकर मुआवजे की मांग की है। किसान की पीड़ा को नजरअंदाज कर डिप्टी कलेक्टर सत्येंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर खरे ने किसानों के प्रति असंवेदनशीलता दिखा दी। अधिकारियों ने किसानों की पीड़ा सुनकर मुआवजे के आश्वासन के महरम के बजाय दो टूक कर दिया कि प्रदेश भर में अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं। किसानों ने फसल बीमा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अपनी खराब फसलों को खेतों से उखाड़ने की नौबत जताते हुए अपनी पीड़ा भी सुनाई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कमलनाथ की सरकार जब से बनी है किसानों की निरंतर अनदेखी हो रही है। किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए, न तो उनको समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, न बोनस मिल रहा है फसलों का, और अभी जो बारिश के कारण जिले में अधिक बारिश हुई है इसके कारण फसलें सड़ गई है। मिर्ची की फसल में जड़ सड़न रोग लग गया है, कपास के घेटे जो उसका फल है वो सड़ रहा है, मक्का की फसल में इल्लियों का प्रकोप हो गया है। और अधिकारी बस एक ही आश्वासन देते हैं, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं जिला मुख्यालय पर उनको बोल देते हैं हमने टीम बना ली है, हमारी टीमें बन गई है। तो भैया टीमें बन गई तो क्या अचार डालने के लिए बनाई है क्या? जमीनी स्तर पर टीम नजर नहीं आ रही है। जमीनी स्तर पर कोई अभी तक आकलन के लिए नहीं गया है। नुकसान निरंतर हो रहा है और किसानों के आंसू थम नहीं रहे हैं, किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा है। ऐसी निकम्मी और निकृष्ट सरकार जिसने आज तक जो किसानों की अनदेखी कर रही है, तबादलों में लगी हुई है, माल बटोरने में लगी हुई है और किसान बदहाली के कगार पे पहुंच गया। मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर यहाँ पर हम देखे था, भाजपा भी कल से किसानों के हित में मैदान में उतरे, कैसे देखे इसे? जो किसानों की पीड़ा है वो राजनीतिक स्वरूप लेती जा रही है। देखो भाजपा ने जब से आंदोलन की घोषणा की है, कल हम प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों के हित में हम धरना देंगे और हम ज्ञापन देंगे ताकि ये सोई हुई सरकार जाग जाए। और ये तो दिखा हुआ है, ये जो भाजपा का आंदोलन देख के मंत्री संतरी और ये अब किसानों के खेत की ओर जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन ये केवल एक दिखावा है। और बड़ा मुद्दा सामने आया है कि किसानों की फसलें जो बोई है उसके अतिरिक्त तो दूसरे फसलों का बीमा होता है, एक असामाजिक स्थिति जिससे बीमा नहीं मिलता है। देखो बीमा कंपनियों ने घर पर बैठकर अपने ऑफिसों में बैठकर किसानों के सर्वे के मुताबिक काम न करते हुए मनचाहा बीमा कर लिया। किसान ने जो फसल बोई है वो उनके बीमे में है ही नहीं। उन्होंने मिर्ची बताई है, किसान ने कपास बोया है, किसान ने कपास बोया है वहाँ मिर्ची बताई। तो किसानों को बीमा कंपनियों से मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा, लेकिन जो सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, वो जरा थोड़ा जाग जाए और किसानों के लिए कुछ करे ताकि उनको किसानों की कुछ दुआएं मिले। आरोप लग रहे हैं इस तरह के हालात, तो प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी तब भी ऐसी स्थिति बनती थी, किसानों का यही रोना था। हालात सरकार बदल गए लेकिन हालात नहीं बदले हैं। देखो ये बीमा कंपनियां जो होती है वो व्यवसाय के लिए उतरी है, ये तय बात है। हमारा फर्ज बनता है, चूंकि हम आज विपक्ष में, हमारा फर्ज है कि हम किसानों के हित में निरंतर लड़ाई लड़ें। यदि बीमा कंपनियों से किसानों को मुआवजा मिलता है तो वो दिया जाए, और यदि बीमा कंपनियां नहीं दे पा रही है तकनीकी कारणों से या कुछ कागजी कारणों से, तो सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे ताकि वो बर्बादी के कगार से बच सके। आज यहाँ पर किसान आए थे, उन्होंने खुद ने कहा कि हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो क्या ये किसान किसानों को मारना चाहती है कि ये सरकार कमलनाथ की सरकार क्या है ये तय करके बैठी है कि किसान आत्महत्या करे उसके बाद हमारे मंत्री संतरी बाहर निकलेंगे और हमारे अधिकारी बाहर निकलेंगे और सर्वे करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।